नमस्कार दर्शकों, ये है मिनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सावनेर में शव मिलने से मचा हड़कंप, युवा अड्डे पर छापामार, नाबालिग सहित चार आरोपियों को किया गिरफ्तार। घर में मिला शराबी युवक का शव, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सावनेर में शव मिलने से मचा हड़कंप। सावनेर शहर में होली चौक परिसर स्थित सार्वजनिक शौचालय के दरवाजे के पास शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक का नाम सिद्धार्थ गजबीय है, जो घटना की जानकारी सावनेर पुलिस तथा ज्योतिषी फाउंडेशन के हितेश बंसोड़ को प्राप्त होते ही एसआईसी संजय शिंदे व हितोश्री के कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सावनेर के अस्पताल में अज्ञात दो के सिद्धार्थ की मौत उष्णघातक घटनास्थल पर कार्रवाई करते हुए पुलिस कर्मचारी से होने की बातचीत कही जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। आगे की जांच थानेदार रविंद्र मानकर के मार्गदर्शन में एसआई संजय शिंदे, पुलिस सिपाही राजू सोरंज कर रहे हैं। जुआ अड्डे पर छापा मारा गया। येरखेड़ा नया पुलिस स्टेशन अंतर्गत मवेशी अस्पताल परिसर में चल रहे जुए अड्डे पर छापा मारकर चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई शुक्रवार 31 मई की दोपहर 4:30 के बजे दरमियान हुई। जानकारी के अनुसार दोपहर में मार्शल संघर्ष सुपरिंग दोपहिया वाहन से पुलिस स्टेशन के पीछे घूम रहे थे। इसी के दौरान उन्हें जुआ खेलते हुए दिखाए गए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। घर में मिला शराबी युवक का शव। कांदरी में शराबी युवक का शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे में घर में शव मिला है। मृतक का नाम राजकुमार राजेश माने हैं। मृतक के पिता को शिकायत के अनुसार राजकुमार शराब के अधीन थे। गुरुवार को जब वह मजदूरी कर रहे थे, उसी समय राजकुमार शराब पीकर घर पर बाहर लौटे थे। पिता के काम करने पर वह उठकर अपने कमरे में जाकर सो गए। रात में करीब 12:30 बजे के दरमियान पिता के घर पहुंचने पर राजकुमार सोया हुआ था। दिखाई देने में उन्होंने उस ध्यान से नहीं देखा। शुक्रवार की सुबह जब वह काम पर जा रहे थे, तब बेटा नहीं उठा था। बहन द्वारा राजकुमार को जगाने के लिए कमरे में जाने पर वह अंदर से चिल्लाते हुए बाहर निकली। पिता ने कमरे में जाकर देखा तो राजकुमार मृत अवस्था में दिखाई दिया। पुलिस को सूचना दी गई, शव का पोस्टमार्टम किया गया और साथ ही पिता राजेश माने की शिकायत पर कन्हान पुलिस ने आस्क्रीम मृत्यु का मामला दर्ज किया है। आगे की जांच कन्हान पुलिस कर रही है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला दर्शक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं।